तो आप सब कैसे हो? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आ गए एक और वीडियो के साथ। तो आज हमारे घर में बर्थडे, भांजी का बर्थडे है, तो हम कैसे डेकोरेशन करेंगे आपको वो सब दिखाएंगे। तो हमारा जो डेकोरेशन होगा पूरा मतलब अच्छा हमको सिखा रहा है। अच्छा पत्ते में देख सकते हैं ये सब पत्ता रखा हुआ है, पूरा ग्रीन में ही होगा। और ये लकड़ी है इसमें पत्ता लगा होता है, ठीक है। तो उससे पहले हमने लिया है जाल, लोहा का जाल है, इस तरीके से हमने खड़ा कर दिया हूँ और नीचे स्टैंड लगा दिया हूँ। और उसके बाद फोम लगा के और ये मैंने पत्ता लगा दिया, पहले स्टैंड लगाया उसके बाद कपड़ा लगाया हूँ, देख सकते हो कपड़ा किस तरीके से लगाया। कपड़ा जो मेरा लगा हुआ है लंबा लंबा कपड़ा है, तो उसको डबल करके डाल दिया हूँ और देख सकते हो। और जिसका बर्थडे है ये भांजी है हमारी, इसी का बर्थडे है, तो हम डेकोरेशन कर रहे हैं। और आप बताना कमेंट करके कैसे डेकोरेशन किया हो। तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उसको इस तरफ दे देंगे ताकि पूरा मेकअप हो जाएगा और अच्छा दिखेगा। और आपको कंप्लीट दिखाते हैं। ये रोज पड़ा हुआ है, ये फोम का आता है, देखो इस तरीके से होता है। तो इसको मतलब हाथ से खिलाना पड़ता है, मतलब पकड़ो भैया कैमरा में, तो देख सकते हो ये पूरा मतलब जब हम पैक करके रखते हैं तो पूरा ऐसा हो जाता है। तो हमको लगाने के टाइम उसको ऐसा ऐसा करना पड़ता है। देख सकते हो ये जो फोम का आता है इसका कागज का भी बन जाता है, लेकिन हमारा ये गुलाब फूल है जो फोम का है, तो ये मतलब खरीदना पड़ता है। बाकी आप अगर चाहोगे, आपको अगर आता है बनाना, तो आप कागज का भी बना सकते हो। तो ये वाला अभी हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हमको दूसरा वाला करना है। दूसरा वाले को भी इसी तरीके से हमको ये ऐसा करना पड़ेगा इसका कंप्लीट। तो अभी लगाना है हमको पार्लेट, ये देख सकते हो ये पार्लेट है, इसको वहाँ लगाना है। तो इसमें जो हम पार्लेट लगाएंगे चार पीस पार्लेट लगाएंगे क्योंकि हमारा इसमें छोटा है, तो चार पीस में मतलब एरिया को कवर कर लेगा, ठीक है। आप चाहोगे दो पीस भी लगा सकते हो, दो पीस में भी अच्छा लगेगा और चार पीस में भी अच्छा लगेगा। चार पीस लगाते हैं we
तो मैंने अभी कनेक्शन कर दिया हूँ वायर में, प्लग लगा दिया हूँ, इसका भी लगा दिया हूँ, इसका भी लगा दिया हूँ, चारों का लगा दिया हूँ, आ गया लाइन आ गया। चलो तो अभी इसमें फिर हल्के फिर हम इसमें अभी लगाएंगे प्लग और आपको दिखाएंगे कि कैसा दिख रहा है। तो देख सकते हो अभी, तो भाई अभी इसको सेटअप करना है खाली, और जब सेटअप कर लेंगे कंप्लीट, हमको कैसा मतलब यहाँ का लाइटिंग रखना है वो आपको दिखाएंगे कि नहीं नहीं उसको वो आप भी इसी तरीके से रख सकते हो, क्योंकि इसका हम लाइट करने वाले हैं वाइट, क्योंकि वाइट लाइट करने से क्या है सब चीज़ मतलब अच्छे से दिखता है, जो जैसा है वैसे ही दिखेगा, जैसा फ्लावर है, जैसा ग्रीन पत्ते हैं, जैसे कपड़ा, वो सब सेम अलग अलग दिखेगा, तो इसलिए हमने वाइट कलर का लाइट इसमें देना है। बाकी इसमें जो ग्रीन पत्ता का ये वाली जो लाइट है वो ग्रीन देंगे, क्योंकि इसका मतलब पत्ता ज़्यादा नेचुरल टाइप का दिखे। तो चलो इसको लाइट को सेटअप करते हैं और आपको दिखाते हैं। मैंने ये वाली लाइट को ग्रीन कर दिया हूँ, देख सकते हो कि कितना ग्रीन दिख रहा है, ये वाली लाइट को ग्रीन किया हूँ, बाकी सबका वाइट किया हूँ, क्योंकि मतलब इधर का थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए और कपड़ा भी अलग टाइप का दिखना चाहिए। बाकी ये जो ब्लू है इसको भी व्हाइट अभी हमको करना है, तो इसको भी व्हाइट कर देते हैं। तो भाई देख सकते हो हमने कैसे क्या डेकोरेशन किया, पूरा डिटेल्स में वीडियो आपको देखना जाकर के, आपको अगर सीखना है तो मेरा चैनल पे जाकर देख लेना, मेरा चैनल का नाम है विपिन कुमार उड़ीसा, तो हम ऐसे वीडियो अपलोड करते रहते हैं अपने चैनल पे और आप लोग को सिखाते रहते हैं। तो हमने कैसे क्या डेकोरेशन किया आपको पूरा वीडियो मिलेगा, जाकर आपको देखना जाकर के। वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।